आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन दी हुई है यहाँ पर 20,000, वाटर सप्लाई दिया हुआ है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, और बीओडी दी हुई है यहाँ पर 150 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि इन्फ्लुएंट बीओडी है, एस नॉट से शो करते हैं, बता चुका हूँ पहले ही। अब हमको डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है, तो डिजाइन डिस्चार्ज निकालने के लिए पहले पता है हमको एक दिन में एक इंसान 150 लीटर पानी कंज्यूम कर रहा है, तो ये तो एक इंसान का हुआ। अगर मेरे पास 20,000 पॉपुलेशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 150 से, दैट इज 20,000 इंटू 150, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली पानी का है, हमको निकालना है सीवेज। तो मैंने बताया था टोटल पानी का 80% क्या होता है, सीवेज होता है, बता चुका हूँ पहले ही, मैंने बोला था बहुत काम आएगा। तो 80% इंटू 20,000 इंटू 150, दैट इज 2.4 इंटू 10^6 लीटर पर डे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हम अज्यूम कर लेंगे, दैट इज 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे, ये आपको अज्यूम करनी है, क्वेश्चन में आपको नहीं दी होगी, ठीक है। और अगर दिया क्वेश्चन में तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। नीचे चलते हैं इसके अंदर। अब हमको सरफेस एरिया निकालना है, मैंने बताया था सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको, दैट इज क्यू नॉट एस नॉट अपॉन में ओ एल आर, डिस्चार्ज इंटू बी ओ डी इनिशियल डिवाइड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो जो क्यू नॉट है मेरा डिस्चार्ज है, दैट इज 2.4 इंटू 10^6, और एस नॉट क्या है मेरा 150 मिलीग्राम पर लीटर, कन्वर्ट कर दिया इसको किसके अंदर, किलोग्राम में, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज 1. दैट इज 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे, ठीक है। ये जस्ट सॉल्व किया है मैंने आपको, जो मेरा आंसर आएगा वहाँ से सरफेस एरिया जो आएगा वो हेक्टेयर में आएगा, ठीक है, जो कि 1.8 हेक्टेयर आ गया, जो कि एक 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने ऊपर आपको बताया था इसके अंदर, ऊपर अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था इसके अंदर कि जो इसका एरिया होता है वो कितना लेके चलते हैं हम, इसका एरिया लिख चलते हैं हम, एरिया ऑफ ईच यूनिट इज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 1 हेक्टेयर। देखो तो हमारा जो एरिया है वो कितना आया है, बेसिकली हमारा एरिया आ गया 1.8 हेक्टेयर। इसका मतलब हमको दो टैंक डिजाइन करने पड़ेंगे, हमको यहाँ पर दो पॉन्ड डिजाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, वही दिया हुआ है, क्योंकि एरिया जो है इसका 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, इसलिए हम दो यूनिट्स प्रोवाइड कराएंगे। और हर एरिया, हर हेक्ट जो पॉन्ड है उसका एरिया कितना होगा, 0.9 हेक्टेयर ईच। 1.8 हेक्टेयर को डिवाइड कर दिया 2 से, तो एक पॉन्ड का एरिया कितना आ गया, 0.9 हेक्टेयर। उसके बाद अज्यूम एल अपॉन बी रेशो 2, देखो ऊपर दिया भी हुआ है कि लेंथ अपॉन विड्थ रेशो कितना ले सकते हैं हम, देखो ये लिखा हुआ, ये सारे डिजाइनिंग पैरामीटर दिए हुए हैं, लेंथ टू द विड्थ रेशो इज कैप्ड 2, ये दिया हुआ है, तो एल बाय डब्ल्यू वी कैन टेक 2, तो हम जस्ट ऐसे हम ले लेंगे एल बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर हम ले लिया है, तो यहाँ पर एल बाय बी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सरफेस एरिया बता चुका हूँ आपको मैं क्या होता है, इसमें सब चीज़ें हुए हम जो हम पढ़ चुके हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ये मान लो पॉन्ड है आपका, ठीक है, तो पॉन्ड का अगर मान लो ये लेंथ है, ये अगर मान लो मेरी लेंथ जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पॉन्ड मान लो आप, ठीक है ना, ये देखो ये कुछ इस तरीके का पॉइंट मान लो, तो ये मान लो आप इसको विड्थ मान लो, ये मेरी विड्थ हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी, मान लो मेरी दिस इज माय लेंथ, तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया, दिस इज व्हाट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हो गया, एल इंटू बी। अब मुझे पता है कि एल बाई बी की वैल्यू 2 है, तो यहां पर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 बी हो जाएगा, बस इसको यहाँ पुट कर दो, और सरफेस एरिया निकाल चुका हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरी बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 67.08 मीटर। बी आ गया, एल कितना था, बी का 2 टाइम्स था, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दैट इज 134.16 मीटर, यहाँ से एल आ गया। अब एच अज्यूम कर लेंगे इसके अंदर, भाई एल आ गया, बी आ गया, ठीक है, एच का भी इन्होंने पैरामीटर दिया होगा, देखो यहाँ पर एच का पैरामीटर दिया हुआ है, इन्होंने कितना दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ दिस पॉन्ड इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1.8 मीटर, देखो ये दिया हुआ है पैरामीटर, ये मेरी डेप्थ का पैरामीटर है, तो एच अज्यूम कर लेते हैं, देखो कितनी अज्यूम कर रखी है मैंने क्वेश्चन के अंदर, लेट देखो एच अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 1.5 मीटर। अब लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, एच अज्यूम कर ली, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम आ गया, निकालना कैसा, टाइम निकालना था, दैट इज
वी अपॉन में क्यू नॉट। तो वॉल्यूम कितना था मेरा यहाँ पर आया 134.16, ये इसकी लेंथ थी, विड्थ है इसकी 67.08 और एच है इसकी 2 मीटर, सॉरी एच तो 1.5 मीटर, लेकिन एक ये तो एक टैंक का है, हमारे पास कितने टैंक हैं, हमारे पास 2 टैंक हैं, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मेरी लेंथ थी, वापिस देख लो एक बार, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी विड्थ है और ये मेरी हाइट है, और ये 2 क्या है, 2 टैंक थे, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे नीचे क्या किया है मैंने, नीचे डिस्चार्ज से डिवाइड किया है, डिस्चार्ज क्या था देखो, डिस्चार्ज दिया है क्यू नॉट स्टार्टिंग में दिया हुआ है, डिस्चार्ज यहाँ पर 2.4 × 10⁶ लीटर पर डे, 2.4 × 10⁶ लीटर पर डे। तो देखो किस में कन्वर्ट किया है, इसको देख लेते हैं एक बार, 2.4 × 10⁶ को कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में, ये कन्वर्ट कर दिया किसको, मीटर क्यूब में, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब में हो गया, पर डे था, पर डे था, डिवाइड बाय 7 कर दिया, सॉरी हाँ डे था, डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये वीक में आ जाएगा, क्योंकि तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो ये किस में आ गया, ये वीक में आ गया, दैट इज 1.6 वीक। तो इसकी वैल्यू 2 वीक से कम है, क्योंकि हमने डिटेंशन पीरियड कितना माना था, डिटेंशन पीरियड हमने माना था कम से कम 2 से 6 वीक होना चाहिए। देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो डिटेंशन पीरियड है दैट शुड बी 2 to 6 वीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो। तो अब डिटेंशन पीरियड जब इसका 2 to 6 वीक है, इसका मतलब हमारा डिज़ाइन सही नहीं हुआ है, तो वापस से रीडिज़ाइन करेंगे, रीडिज़ाइन के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेंथ जो विड्थ थी मेरी, विड्थ हम ले लेंगे 70 मीटर, जो मेरी 67.08 आई थी हम उसको 70 मीटर ले लेंगे, लेंथ इसका 2 टाइम्स जाएगा दैट इज़ 140 मीटर, और फिर उसके बाद हाइट कितनी है इसकी, हाइट जो हमने कितनी ली थी यहाँ पर, 2 मीटर हाइट ली थी यहाँ पर, कितनी हाइट ली थी, हाइट हमने 1.5 मीटर ली थी, यहाँ पर हम हाइट ले लेंगे यहाँ पर कितनी, 1.8 मीटर। तो जब अब डिज़ाइन करेंगे तो देखो क्या चेंजेस आएंगे, अब जब डिज़ाइन करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पर, ये मेरी लेंथ है, दिस इज़ माई विड्थ, दिस इज़ माई हाइट, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कितने यूनिट है, 2 पौंड हैं, 2 पौंड हैं, डिवाइड बाय क्या है, डिस्चार्ज है, ये इस डिस्चार्ज को कन्वर्ट किया है मीटर क्यूब में, और डिस्चार्ज क्या था मेरा 2.4, वापस देख लो एक बार, डिस्चार्ज क्या था मेरा यहाँ पर, डिस्चार्ज था मेरा यहाँ पर 2.4 × 10⁶ लीटर में था, ये था लीटर में, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10�³ करेंगे, या फिर डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे, वही किया मैंने, देखो ये किया हुआ। अब ये मीटर क्यूब पर डे था, ये मीटर क्यूब पर डे था, ठीक है, और ये चीज कहाँ पर है, कुछ इस तरीके से है, ये देखो ये कुछ इस तरीके से है कि ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, ये मीटर क्यूब में आएगी, ये मीटर क्यूब में आएगी, और नीचे कैसे अवेलेबल है, ये मीटर क्यूब पर डे में आएगा, ये बस। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, बेसिकली ये मीटर क्यूब, ये क्या था मेरा, वॉल्यूम था, और नीचे क्या है मेरा यहाँ पर, डिस्चार्ज है, तो जब कन्वर्ट करेंगे इसको वीक में तो दैट विल बी कम इन 2.1 वीक्स, क्योंकि आपको पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो आप क्या करोगे, ये डे है, इस डे को क्या करोगे यहाँ पर, 1/7 कर दोगे, 1/7 कर दोगे, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा मेरा 2.1 वीक्स, जो कि मेरा 2 वीक से ज़्यादा है, तो मेरा डिटेंशन टाइम कितना आ गया, 2.1 वीक्स आ गया, दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया।